आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहना बहुत आसान है। हम पीस और हैप्पीनेस बाहर ढूंढते रहते हैं और अपने अंदर छुपे विजडम और पीस के खजाने को भूल जाते हैं। विपश्यना मेडिटेशन, जो कि इंडिया का एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, हमें अपने अंदर के इस खजाने को खोलने का रास्ता दिखाता है। विपश्यना का मतलब है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वो असलियत में है। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन की एक टेक्निक है जिससे हम अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को डीपली समझ पाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने से बिना किसी जजमेंट के हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस की चेंजिंग नेचर को समझने लगते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें ऑटोमेटिक रिएक्शंस और हैबिट्स से आज़ाद करती है जो अक्सर हमें सफरिंग देती है। विपश्यना का मतलब दुनिया से भागना या अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को अच्छी तरह से जानना, ताकि हम लाइफ की चैलेंजेस को और स्किलफुली और कंपैशन के साथ फेस कर सकें। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, इनर पीस और विजडम पाने का तरीका है जो हमारी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोटिवेशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अगर आप विपश्यना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ आर्टिकल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो पर आगे चलते हैं। विपश्यना प्रैक्टिस का फाउंडेशन है माइंडफुलनेस, यानी बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना। हम शुरुआत अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करके करते हैं, जो हमारे अटेंशन के लिए एक नेचुरल एंकर है। हम आराम से बैठें या लेटें और ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर लगाएं। शुरुआत में हमारा माइंड थॉट्स, वरीज और प्लान से भरा हुआ और रेस्टलेस हो सकता है। हम बस इन डिस्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व करें बिना उनमें बहें। हम जेंटली अपने अटेंशन को वापस ब्रेथ पर लाएं। बार बार पेशेंस और प्रैक्टिस से हमारे कंसंट्रेशन और फोकस की क्षमता बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे हमारा माइंड काल्म होगा, हम ब्रेथ से जुड़े सटल सेंसेशंस को नोटिस कर पाएंगे, जैसे सांस लेते वक्त हवा की कूलनेस, चेस्ट और एब्डोमेन का हल्का सा एक्सपैंड और कॉन्टैक्ट होना। हम इन सेंसेशंस को क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं, बिना उन्हें बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश की। सांसों को ऑब्जर्व करने का ये सिंपल एक्ट माइंड को काल्म करने और इनर स्टिलनेस लाने का एक पावरफुल टूल बन जाता है। जैसे जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर होते जाते हैं, हम अपने थॉट्स के बीच के स्पेसेस को नोटिस करने लगते हैं। पीस और क्वाइटट्यूड के उन पलों को जो हमेशा मौजूद थे लेकिन हमने नोटिस नहीं किए। जैसे जैसे हमारी विपश्यना प्रैक्टिस डीप होती है, हम सभी चीजों की चेंजिंग नेचर को नोटिस करने लगते हैं, जिसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस भी शामिल हैं। हम देखते हैं कि सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, एक एंडलेस साइकिल में आता और जाता रहता है। ये रियलाइजेशन डिप्रेसिंग या मीनिंगलेस नहीं है, बल्कि ये हमें लिबरेशन का एहसास दिलाती है। जब हम प्लेजेंट सेंसेशंस, थॉट्स या एक्सपीरियंसेस से क्लिंग करते हैं, तो हम खुद ही अपने लिए सफरिंग क्रिएट करते हैं। हम उनके जाने से डरते हैं और उन्हें टाइटली पकड़े रहते हैं, जिससे टेंशन और एंजाइटी पैदा होती है। इसी तरह जब हम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को दूर करते हैं, तो हम अवर्जन और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो हमारे सफरिंग को और बढ़ा देता है। विपश्यना हमें सभी एक्सपीरियंसेस को इक्वानिमिटी से ऑब्जर्व करना सिखाता है, एक बैलेंस्ड और नॉन रिएक्टिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ। हम लाइफ की इम्परमनेंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, आउटकम्स से अटैचमेंट छोड़ना सीखते हैं और चेंज के बीच में पीस खोजना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनडिफरेंट या एपथेटिक हो जाते हैं, बल्कि हम डीपली समझ जाते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट टेम्पोरेरी चीजों से क्लिंग करने से नहीं मिल सकती। विपश्यना सिर्फ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, ये सभी बीइंग्स के लिए डीप इंटरकनेक्टेडनेस और कंपैशन डेवलप करने के बारे में भी है।
जैसे जैसे हम अपने सफरिंग और सभी चीजों की चेंजिंग नेचर के प्रति अवेयरनेस डेवलप करते हैं, हमारे दिल स्वाभाविक रूप से दूसरों के सफरिंग के लिए खुलने लगते हैं। हम देखना शुरू करते हैं कि हम अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। सभी बीइंग्स हैप्पीनेस और सफरिंग से फ्रीडम की सेम बेसिक डिजायर शेयर करते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग कंपैशन को जन्म देती है, सभी के वेलबीइंग की हार्टफेल्ट विश। कंपैशन कोई पैसिव इमोशन नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है जो हमें काइंडनेस, जेनरोसिटी और अंडरस्टैंडिंग से एक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे जैसे हम विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं, हम चैलेंजेस का सामना और अधिक पेशेंस, फॉरगिवनेस और लव के साथ करना सीखते हैं। स्टोरीज ऑफ होप एंड हीलिंग। हर वर्ग के अनगिनत लोगों ने विपश्यना मेडिटेशन के जरिए जबरदस्त बदलाव महसूस किए हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है, लत से जूझ रहे लोगों को ठीक होने का रास्ता मिला है। मेरी एक दोस्त प्रियंका के बारे में बताना चाहूंगा जो एंग्जाइटी से जूझ रही थी। मैंने उसे 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। उसने 10 दिन का विपश्यना रिट्रीट अटेंड किया। ये अनुभव चुनौतीपूर्ण था लेकिन जिंदगी बदलने वाला भी। रिट्रीट पूरा करने पर उसने पीस और क्लैरिटी महसूस की। मुकेश नाम का व्यक्ति शराब और ड्रग्स की लत से जूझ रहा था। उसे एक दोस्त ने उसे विपश्यना मेडिटेशन करने का सुझाव दिया। शक था पर मुकेश ने इसे आजमाने का फैसला किया। रिट्रीट के दौरान उसने क्रेविंग्स और इमोशनल टर्मोइल का अनुभव किया। मुकेश ने अपनी सोबरायटी के लिए प्रतिबद्ध हो गया। ये अनगिनत जिंदगियों की बस दो उदाहरण हैं जो विपश्यना मेडिटेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर से प्रभावित हुए हैं। विपश्यना इन डेली लाइफ, इंटीग्रेटिंग माइंडफुलनेस इनटू आवर रूटीन्स। हालांकि विपश्यना रिट्रीट अटेंड करना एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन माइंडफुलनेस के सिद्धांतों को अपने डेली लाइफ्स में इंटीग्रेट करना उतना ही महत्वपूर्ण है। हम हर दिन फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए समय निकालकर ऐसा कर सकते हैं, भले ही यह सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। हम अपने डेली एक्टिविटीज करते समय अपने ब्रेथ, अपने बॉडी और अपनी सेंसेस पर ध्यान देकर भी पूरे दिन माइंडफुलनेस कल्टीवेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम खाने के दौरान अपने भोजन के टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा पर ध्यान देकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चलते समय जमीन पर अपने पैरों के सेंसेशंस, अपने बॉडी की मूवमेंट और अपने आसपास के साइट्स और साउंड्स पर ध्यान देकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा माइंडफुल होते जाते हैं, हम जिंदगी की उन सिंपल जॉयज की सराहना करना शुरू कर देते हैं जिन्हें हमने पहले शायद अनदेखा कर दिया था। हम दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, फाइंडिंग अ विपश्यना रिट्रीट। अगर आप खुद विपश्यना मेडिटेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव करना चाहते हैं तो 10 दिन का रेजिडेंशियल रिट्रीट अटेंड करना शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये रिट्रीट्स दुनिया भर के सेंटर्स में मुफ्त में ऑफर किए जाते हैं जो दान या उदारता की परंपरा पर आधारित है। पार्टिसिपेंट्स से रिट्रीट के अंत में अगर वे चाहें तो भविष्य के कोर्सेज की लागत को सपोर्ट करने के लिए दान देने के लिए कहा जाता है। रिट्रीट के दौरान आपको एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा विपश्यना मेडिटेशन के अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप टेक्निक सीखेंगे और आपको सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट में अभ्यास करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। विपश्यना रिट्रीट अटेंड करना एक कमिटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ यह एक ऐसा अविश्वसनीय उपहार जो आप अपने आप को दे सकते हैं। यह डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट होने, मेडिटेशन के अभ्यास में गहराई तक जाने और रिफ्रेश्ड, रिन्यूड और ट्रांसफॉर्म्ड महसूस करने का अवसर है। मैंने 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स SN गोनेंका जी द्वारा संचालित रेजिडेंशियल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में किया था और उसके बाद मेरे लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन हुआ और लाइफ के प्रति मेरा नजरिया ही बदल गया। टिप्स फॉर सस्टेनिंग योर मेडिटेशन जर्नी। विपश्यना मेडिटेशन का जर्नी एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं।
नियमित अभ्यास करें, हर दिन समय निकालें, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएं, एक कम्युनिटी से जुड़ें, अपने आप के प्रति पेशेंट और दयालु बनें। बस इन थॉट्स को एक्नॉलेज करें, अपनी मोटिवेशन याद रखें। एम्ब्रेसिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ विपश्यना। विपश्यना मेडिटेशन एक प्रोफाउंड प्रैक्टिस है जो इनर पीस, सफरिंग से मुक्ति और खुद से और हमारे आसपास की दुनिया से डीप कनेक्शन का रास्ता प्रदान करता है। यह सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है, विजडम, कंपैशन और इक्वानिमिटी कल्टीवेट करने का एक तरीका है। हालांकि यह जर्नी कई बार चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। विपश्यना के अभ्यास को अपनाकर हम संभावनाओं की एक दुनिया के लिए खुद को ओपन करते हैं, अपनी जिंदगी को अंदर से बदलते हैं और सभी के लिए एक और ज्यादा पीसफुल और कंपैशनेट दुनिया बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर उनसे करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।